हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और वो फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी अदर अकाउंट में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी अदर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से पहले आपको जो है बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। और बिना बेनिफिशियरी ऐड किए आप किसी अदर अकाउंट में या किसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब तक आप बेनिफिशियरी ऐड नहीं करेंगे तब तक आप जो किसी अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। और अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो है लॉगिन करना होगा। चलिए हम अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट में जो है लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है अपने ऑप्शन में जाना है और आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम अपने अकाउंट में लॉगिन हुए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा कि ऑप्शन सारा जो है हाइड रहता है। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं दोस्तों, मेन मेन्यू यहाँ पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे फंड ट्रांसफर को जो है सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फंड ट्रांसफर है कहाँ यहाँ पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फंड ट्रांसफर। तो यहाँ फंड ट्रांसफर पे हमें क्लिक करना है और जैसे हम फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऐड बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा जो ये फॉर्म है इसे हमें फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह का जो है यहाँ पे अकाउंट है। अगर आप मान के चलिए सेंट्रल बैंक में ही डालना चाहते हैं पैसे तो आप सेंट्रल बैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर बैंक में अगर डालना चाहते हैं पैसे तो आप अदर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदर बैंक जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है IFC कोड डालना होगा सबसे ऊपर में। और IFC कोड डालने के बाद जो है उसके बाद बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको डालना है। सेविंग अकाउंट अगर है आपका तो सेविंग अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, या करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का डालना है। उसके बाद रीएंटर अकाउंट नंबर में दोबारा फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद बेनिफिशियरी निक नेम में आपको जो डालना है बेनिफिशियरी का कोई भी नाम जो है जो प्यारा नाम है वो आपको डालना है। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम में जो आपको उसके जो पासबुक में जो नाम होगा जो सही जिस तरह का नाम होगा कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको डालना है, स्मॉल में स्मॉल में डालना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का जो एड्रेस, तो एड्रेस आपको यहाँ पे तीन लाइन दिया गया है, तीनों लाइन में आप डाल सकते हैं बेनिफिशियरी का एड्रेस, एड पोस्ट और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है बेनिफिशियरी का वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी का अगर फोन नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो डालने की कोई जरूरत नहीं है। बेनिफिशियरी का अगर ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं और नहीं है तो डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का जो आपका रिलेशनशिप है आपका जो मन का आपके लिए उसको पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो आपका कौन लगेगा, चाचा लगेगा, भाई लगेगा, फ्रेंड है, दोस्त है, जो भी है आपका, तो उसे आपको रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है यहाँ पे हम डाल देते हैं, उसके बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, सारी की सारी डिटेल्स जो हमने यहाँ पे डाल दी है उसके बाद हमें सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद हमें फिर से दोबारा यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि जो हमने बेनिफिशियरी ऐड की है वो हमारे जो पासबुक से मैच कर रही है कि नहीं। जिसको हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके पासबुक से ये सारी सारी डिटेल्स है हमारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही है तभी हम फिर दोबारा सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कन्फर्म करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम दोबारा सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें जो ओटीपी सिलेक्ट करना होगा, तो चलिए हम ओटीपी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेज देगा और वो पासवर्ड हमें यहाँ पे जो है डाल देना है। डालने के बाद हमें फिर से यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड डाल के जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा जो बेनिफिशियरी है बिल्कुल ये कन्फर्म हो जाएगा, हमारा बेनिफिशियरी जो है ऐड हो जाएगा। फिर भी हम इस बेनिफिशियरी को जो है अपने यहाँ पे व्यू बेनिफिशियरी में क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बेनिफिशियरी ऐड हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं व्यू बेनिफिशियरी में क्लिक करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पप्पू कुमार को हमने ऐड किया था, पप्पू कुमार हमारा जो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चेक लगाने का जो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे 4 घंटे बाद जो है बैंक अपनी ओर से अप्रूव करेगा तभी इसमें हम जो पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, उससे पहले हम इसमें पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और ऊपर में आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर में मैंने एक बेनिफिशियरी एमडी शब्बीर आलम के नाम से पहले से ऐड किया है और उसका जो टाइम पूर चुका है 4 घंटे पहले मैंने उसे ऐड किया था। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेक लगाने का टिक लगाने का जो ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो इसे बैंक अपने ओर से अप्रूव कर दिया है, अब इसे हमें अपने ओर से इसे अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए हमें अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना जो है यहाँ पे एंटर करना होगा, उसके बाद हमें अपडेट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ फिर से कंफर्म करना होगा। कंफर्म जैसे आप करेंगे फिर से आपको यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा और ओटीपी आपको सिलेक्ट करना है और वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये आपका जो बेनिफिशियरी जो 4 घंटे पहले हमने ऐड किया था ये हमारा जो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और जो बेनिफिशियरी अभी हमने ऐड किया था पप्पू कुमार को, और पप्पू कुमार को 4 घंटे बाद फिर इसी तरह से उसे हम अपडेट कर देंगे, उसके बाद हम उसे 4 घंटे बाद जो है पैसे ट्रांसफर उस अकाउंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पप्पू कुमार के अकाउंट में जो हमें पैसे ट्रांसफर करना है तो 4 घंटा थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, उससे पहले हम उसके इस वीडियो को जो थोड़ा पॉज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो हम अपने जो बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा से फिर से लॉग इन करते हैं, और तब तक के लिए हमने अपने वीडियो को पॉज किया था, उसके बाद आप यहाँ पे अपने साथ जैसे हम अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद हम उस पप्पू कुमार को जो है उसे उसके अकाउंट में जो है उसे पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर से हमें वहाँ पे मेन मेन्यू पे जाना होगा। मेन मेन्यू पे जाने के बाद हमें फिर से वहाँ अपने फंड ट्रांसफर पे हमें जो है क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफर हमें क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों कई तरह का यहाँ पे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि हमें किस अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे देखते हैं अदर अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है, उसके बाद अदर बैंक अकाउंट ट्रांसफर, हमें यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट ट्रांसफर जो है हमें सेलेक्ट करना है, अदर बैंक अकाउंट, ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है। अदर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले अपना अकाउंट जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं फ्रॉम अकाउंट पे जो हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ए बेनिफिशियरी अकाउंट का हमें सेलेक्ट करना है, जिस बेनिफिशियरी को हमने ऐड किया था पप्पू कुमार को उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है कि कितना पैसे हमें उसे डालना है। हम यहाँ पे जो है इसमें NEFT में जो है हम जो पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं इसमें हम 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक एक साथ हम भेज सकते हैं, ठीक है, एक वक्त में एक टाइम में, ठीक है। तो 1 रुपये से लेकर जो है 2 लाख रुपए तक हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको 10 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे रिमार्क में हमें लिखना है कि हम पैसे किस काम के लिए भेज रहे हैं। तो मान के चलिए हम किसी को पैसे देना चाहते हैं तो हम किस काम के लिए पैसे दे रहे हैं उसमें, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है रिमार्क में, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं इसमें गिफ्ट, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट के बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम फिर से यहाँ पे चेक कर लेंगे अपने बेनिफिशियरी को कि हमारे पासबुक से ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सारी डिटेल्स मैच कर रही है तो हम इसे फिर यहाँ पे कंफर्म कर देंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने कंफर्म के बटन पर क्लिक किया उसके बाद ये ओटीपी हमें सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ओटीपी किस तरह से सेलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल के जरिए से या क्रेडिट कार्ड के जरिए से। चलिए हम अपने मोबाइल के जरिए से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमें सबमिट के बटन यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे सबमिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड भेज देगा ये। उसके बाद वो पासवर्ड उसे हमें यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे वन टाइम पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा ये अकाउंट जो है पैसे फंड ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।